दोस्तों मैं अशफाक अंसारी, आप देख रहे हैं आजकल न्यूज़ नेटवर्क। जो लोग हमारे चैनल देखते हैं प्लीज़ लाइक कर दिया करें, अपने अजीज़ व अकारीब पास शेयर भी कर दिया करें। दोस्तों सऊदी अरेबिया में जद्दा डिस्ट्रिक्ट में 25,000 से ज़्यादा पुरानी और नायाब चीज़ें बरामद की गई हैं। दरअसल ये जो है MBS के विज़न 2030 के प्रोग्राम का एक हिस्सा है। सऊदी अरेबिया में जो भी पुरानी और नायाब चीज़ें वो बरामद की जाएँ, उसे मंजर आम पे लाया जाए, उसी लिए वो सऊदी हेरिटेज कमीशन के इश्तराक से ये प्रोग्राम नाफिज किया गया और ये चीज़ें बरामद की गई। ये शुरुआती खलीफाओं के दौर की हैं, पहली और दूसरी सदी ईस्वी की हैं। दोस्तों सऊदी अरेबिया में यमुनी वतनी तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन पिछले 3 साल से सऊदी फाउंडेशन डे भी मनाया जाने लगा है, जो कि 22 फरवरी को होता है। तो 22 फरवरी के दिन गवर्नमेंट ने छुट्टी का ऐलान किया है। तो प्राइवेट सेक्टर में चूंकि ये जुमेरात के दिन छुट्टी पड़ रही है, तो प्राइवेट सेक्टर में जुमेरात और जुमा 2 दिन छुट्टी होगी, जबकि पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफिसर जुमेरात, जुमा और सब 3 दिन बंद रहेंगी। दोस्तों बांग्लादेश से अब जो है मेडिकल फील्ड के लोग भी आने लगे हैं, डॉक्टर और नर्सें भी आने लगी हैं। दरअसल ईसा अल दोहलान जो कि सऊदी सफीर हैं बांग्लादेश में, उन्होंने बताया है कि 2022 में बांग्लादेश और सऊदी के दरमियान एक मुआहदा तय पाया गया था, जिसमें ये हुआ था कि बांग्लादेश से जो है डॉक्टर और नर्सें भी सऊदी अरेबिया काम करने के लिए जाया करेंगी। अभी तक सऊदी अरेबिया में तकरीबन 30 लाख बांग्लादेशी हैं, लेकिन उसमें डॉक्टर नर्सें बहुत ही कम है। तो अब ये प्रोग्राम जब जारी हो गया तो अब डॉक्टर नर्सें भी काफ़ी तादाद में सऊदी अरेबिया में दिखाई देने लगेंगी। दोस्तों दुबई में एक बड़ा ही अनोखा मामला सामने आया है, जबकि किसी की फैमिली का कुत्ता खो गया है, तो उस कुत्ते को जो भी तलाश करके लाएगा फैमिली के पास, उसे 1 लाख दिरहम देने का ऐलान किया गया है। 1 लाख दिरहम इंडियन करेंसी में 22 लाख रुपए होते हैं, तो खतीर रकम दी जाएगी जो भी उस कुत्ते को ढूंढ के उस फैमिली तक पहुंचाएगा। दरअसल ये कुत्ता जो है शनिचर के दिन जो गुमशुदा हो गया, शाम के 6:40 पर आखिरी बार इसे दुबई में D27 स्ट्रीट पे देखा गया। तो जो लोग दुबई में रहते हैं अगर वो इसे तलाश कर ले तो उनकी लॉटरी निकल सकती है। दोस्तों चिली में, साउथ अमेरिकन कंट्री है चिली, उसमें इन दिनों भीषण आग लगी हुई है। पहले आप वीडियो देखिए। तो इस वीडियो के मुताबिक बता दें कि पूरे चिली में तकरीबन 160 मकामात पर आग लगी हुई है। ज़्यादातर जंगली इलाकों में आग लगी हुई है जो कि शहर तक भी पहुंच रही है। इससे अब तक 112 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोग गुमशुदा हैं और हज़ारों लोग घायल हो गए हैं। और इसको लेकर जो है चिली के प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी का निफास कर दिया है और रात के वक्त कर्फ्यू लगा दिया है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। और आग पर काबू पाने के लिए मिलिट्री भी चिली में लगा दी गई है। और चिली इस आग की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, हिस्टोरिक चीज़ें भी नुकसान हुई हैं। उसमें एक बॉटनिकल गार्डन भी है चिली का, जो कि 1931 में जिसकी स्थापना की गई थी, उसको भी काफ़ी ज़्यादा इस आग से नुकसान पहुंचा है। तो क्लाइमेट चेंज की एक और ख़राब मिसाल ये चिली की आग दिखाई देती है। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।